हेलो वीवर्स, डेली हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे बताए हुए टिप्स आपको तुरंत मिल जाए, और साथ ही बेल आइकॉन को क्लिक करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, जानें वजन बढ़ाने के सबसे असरकारक घरेलू उपाय। ये बात तो सच है कि ज़्यादातर लोग अपना एक्स्ट्रा वेट कम करना चाहते हैं, पर ये बात भी सच है कि कुछ लोग इतने पतले होते हैं कि वो अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं। जो लोग पतले होते हैं उन्हें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जल्द से जल्द बॉडी के ज़्यादा से ज़्यादा फैट की मात्रा मिले और उनका वेट गेन हो सके। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छा खाना खाएं और एक अच्छा स्वास्थ्य लाइफस्टाइल जिएं। चलिए अब बिना समय बर्बाद किए कुछ ज़बरदस्त स्वस्थ और सुरक्षित वेट बढ़ने के तरीकों को जानते हैं। रोज़ाना सुबह 7 से 8 बजे के बीच में सोयाबीन, दूध, केले आदि से ब्रेकफास्ट करें और फिर 11 बजे भरपेट खाना खाएं। इसके बाद दोपहर के समय फास्ट फूड खाएं, फिर शाम को फ्रूट जूसेस आदि खाएं। इसके बाद रात को 7 या फिर 8 बजे के बीच में भरपेट खाना खाएं। रोज़ाना 1 महीने तक वज़न बढ़ाने के इस डाइट प्लान का उपयोग करिए। मोटे होने के घरेलू उपाय व तरीकों में से ये सबसे ज़रूरी है। कब क्या खाएं ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं आपको क्या क्या खाना चाहिए। दोस्तों, आलू का सेवन करें। आलू में कार्बोहाइड्रेट्स अधिक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स वज़न बढ़ाने में काफ़ी मदद करते हैं। जल्दी वेट बढ़ाना है तो डाइट में उबला आलू या फिर आलू की सब्ज़ी खाइए। दलिया का सेवन। दलिया में फाइबर होने के साथ साथ कई अन्य पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं जो कि हमारे शरीर को ज़रूरी होते हैं। मोटापा बढ़ाना हो या फिर कम करना हो, नाश्ते में 1 कटोरी दलिया लेना काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। दोस्तों, तनाव दूर करने के लिए योगा का सहारा लें, जिसमें आपका मस्तिष्क शांत रहेगा। जब एक बार तनाव चला जाएगा तो आप खुद ब खुद अपने वज़न में अंतर देख पाएंगे। धूम्रपान ना करें। धूम्रपान करने वालों का वज़न धूम्रपान ना करने वालों से कम होता है। इस प्रकार धूम्रपान छोड़ने से आपका वज़न बढ़ता है। दूध और केला है फ़ायदेमंद। दोस्तों, जल्दी वज़न बढ़ाने के लिए अपने डाइट चार्ट में दूध शामिल करें। मोटा होना है तो सुबह और शाम दिन में 2 बार दूध ज़रूर पीना चाहिए। दूध पीने के साथ ही केला खाने से वज़न जल्दी बढ़ता है। इसके अलावा घर पर बना बनाना शेक भी पी सकते हैं। दूध और केले के अलावा आप दूध के साथ आम भी खा सकते हैं, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। 1 गिलास दूध के साथ 1 आम खाएं। ये देसी इलाज 1 महीने में आपको वज़न बढ़ाने में मदद करेगा। जितना ज़्यादा हो सके उतना खाएं और स्वादिष्ट बनाकर खाएं। आप जितना खाएंगे उतना ही आपके शरीर को ताकत मिलेगी और वज़न भी बढ़ेगा। दोस्तों, शरीर को ताकत प्रदान करने वाले आहार जिससे कि आपको अपना वज़न बढ़ाने में बहुत मदद मिलेंगे वो है ज़्यादा फैट या दूध से बने उत्पाद, यानी कि हाई फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे कि दूध, दही, पनीर, क्रीम, मक्खन आदि। फैट तथा तेल यानी कि फैट्स और ऑयल जैसी चीज़ें। अपने भोजन में जैतून और एवोकाडो का तेल का इस्तेमाल करें। दोस्तों, आप ग्रेन्स जैसे कि जौ और भूरा चावल का सेवन करें। वेट बढ़ाने और बॉडी मसल्स बनाने में प्रोटीन बेहद ही उपयोगी है। आप प्रोटीन को भी अपने डाइट में शामिल करें। मेवे के साथ दूध पिए। वज़न बढ़ाने के लिए सुबह सुबह सूखे मेवे को दूध में पीसकर या फिर कूटकर उबाल लें और इसे पिए। ख़ासतौर पर बादाम, खजूर और अंजीर के साथ गर्म दूध पीने से भी वज़न तेज़ी से बढ़ता है। किशमिश खाने से वज़न तेज़ी से बढ़ता है। नियमित रूप से अपनी डाइट में 30 ग्राम किशमिश को शामिल करें। रोज़ इसके सेवन से महीने भर में आप अपने वज़न में फ़र्क महसूस करेंगे। देसी घी का इस्तेमाल खाने में करने पर वज़न बढ़ाने में काफ़ी फ़ायदा मिलता है। दाल में 1 चम्मच देसी घी डालकर खाना चाहिए। 1 चम्मच देसी घी में 1 चम्मच चीनी मिलाएं और रोटी के साथ खाएं। इस उपाय से चमत्कारी तरीके से वज़न बढ़ने में मदद मिलेगी। दोस्तों, हर रोज़ 3 से 4 लीटर पानी पिएं। इससे शरीर के जहरीले पदार्थ बाहर निकलते हैं, पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है और
शरीर के सभी अंग अच्छे से काम करते हैं। अंडे में प्रोटीन भरपूर होता है, इसीलिए दोस्तों आप प्रतिदिन 4 अंडे खाएं, 2 सुबह और 2 शाम को। मीठे पदार्थ में अधिक कैलोरी होती हैं, इसीलिए वेट गेन करने के लिए मीठा खाएं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए और साथ ही इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो मीट खाइए। मीट के ज़रिए आप आसानी से वज़न बढ़ा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सिर्फ मीट में ही सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स मिलते हैं। इसके लिए आप फिश, गोट, चिकन का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, मांसाहारी भोजन सबसे जल्दी वेट बढ़ाता है, इसीलिए आप इन सब का सेवन करें। शाकाहारी लोग मूंगफली, दाल, पनीर और अंकुरित चने खाएं। अपने आहार के साथ साथ सप्लीमेंट्स का भी सेवन करें, जैसे कि प्रोटीन पाउडर, जिसे आप अपने दूध में मिलाकर पी सकते हैं। ये सप्लीमेंट्स मांसपेशियां और वज़न को बढ़ाने में मदद करते हैं। मक्के की रोटी में सबसे ज़्यादा फैट पाया जाता है। अगर आप 30 दिनों तक दोनों टाइम मक्के की रोटी से भोजन करें तो बहुत तेज़ी से आपका वज़न बढ़ेगा। अगर आप सिर्फ आलू और मक्के की रोटी का सेवन करते हैं तो ये और भी लाभदायक होगा। मक्के में फैट बहुत होता है, इसीलिए ये मोटा होने के घरेलू उपाय में सबसे ज़्यादा असरदार है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते हैं। दोस्तों, वज़न बढ़ाने के लिए पनीर खाएं। पनीर में भरपूर प्रोटीन, कैल्शियम और फैट्स पाए जाते हैं। पनीर को खाने के बहुत से तरीके होते हैं, जैसे कि ब्रेड, सब्ज़ी आदि के ज़रिए आप पनीर खा सकते हैं। हमेशा पनीर को सोने से 2 से 3 घंटे पहले खाएं, क्योंकि पनीर को पचाने में बहुत समय लगता है। अश्वगंधा से वज़न बढ़ाएं। अगर आप मोटा होने के मेडिसिन लेना चाहते हैं तो आयुर्वेदिक दवा लेना अच्छा उपाय है, क्योंकि ये ना तो महंगे हैं और जल्दी से और बेहतर परिणाम मिलते हैं, और इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी ना के बराबर होते हैं। इसके लिए आपको 1 ग्लास गुनगुने दूध में 2 चम्मच अश्वगंधा पाउडर और मक्खन मिलाना है, और सोने से पहले रात को इसे पिएं। हर रोज़ इस नुस्खे को करने पर कुछ ही दिनों में आपको अपनी बॉडी में फ़र्क नज़र आएगा। दोस्तों, च्यवनप्राश का इस्तेमाल करें। ये सिर्फ वेट गेन में ही नहीं बल्कि पूरी सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद है। इसके लिए 2 चम्मच च्यवनप्राश हर रोज़ खाने से शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ती है। किसी भी उम्र का पुरुष या फिर महिला इसका सेवन कर सकते हैं और अपना वेट गेन कर सकते हैं। पास्ता और नूडल्स में हायर कैलोरी और फैट्स पाए जाते हैं। इनके ज़रिए बॉडी फैट इंक्रीज होता है। 1 महीने तक रोज़ाना दिन में 1 बार फास्ट फूड ज़रूर खाएं, क्योंकि फ़ास्ट फूड्स में फ़ैट बहुत होता है। अगर आप जल्दी से जल्दी वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो भोजन के बदले ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट फूड्स खाएं। दोस्तों, आप अच्छे से नींद लें। हमारे जीवन के लिए जिस तरह भोजन और पानी आवश्यक है, ठीक उसी तरह भरपूर नींद लेना भी हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। हर रोज़ कम से कम 8 घंटे की गहरी नींद अवश्य लें। अच्छी नींद लेने से हमारी बॉडी में नई कोशिकाएं बनती हैं और पुरानी कोशिकाएं नई कोशिकाओं में तब्दील होती हैं। अच्छी नींद लेने के लिए रात को खाना खाने के बाद तुरंत से सो जाएं और सुबह जल्दी उठ जाएं। इसीलिए गहरी नींद लेना शुरू कर दें। एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम करें। व्यायाम करना हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है, ये तो आप जानते ही होंगे। एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर में मौजूद कैलोरी सही मात्रा में हमारे शरीर के अंगों में बांटी जाती हैं, जिससे कि पेट की चर्बी नहीं बढ़ती। व्यायाम करने से कोलेस्ट्रॉल और शरीर की मांसपेशियां भी अच्छी तरह बढ़ती हैं, भूख खुलती हैं, जिस कारण खाना भी अच्छी तरह से पचता है व शरीर मजबूत बनता है। आप व्यायाम के इन उपायों को अपना सकते हैं। आप योगा कर सकते हैं, प्राणायाम करना चाहिए, पुशअप्स लगाना, सिटअप्स लगाना, या फिर आप कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, जैसे कि बैडमिंटन खेलना, क्रिकेट खेलना या फिर फुटबॉल खेलना आदि। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बताए गए घरेलू उपायों को अपनी जीवन शैली में अपनाकर आप अपना वज़न आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो और भी हेल्थ रिलेटेड टिप्स चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट mydailyhealthtips.in पर विज़िट करिए। वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है।
Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe our channel. Thank you. Bye.